नमस्कार ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू नीट एजुकेशन चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम देखेंगे टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी टैक्सिस अरेंजमेंट नोमोस मतलब ला। ठीक है, टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल और प्रोसीजर है। ठीक है, दिस वर्ड टैक्सोनॉमी दिस वर्ड वाज प्रपोज्ड बाय एपी डी कैंडोल। ओके, टैक्सोनॉमी वर्ड प्रपोज्ड बाय एपी डी कैंडोल इज इन हिज बुक थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला ऑफ बोटैनिक मतलब थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। ओके, ठीक है। टैक्सोनॉमी इंक्लूड स्टडी ऑफ फॉलोइंग फोर पॉइंट्स, कौन कौन से? आइडेंटिफिकेशन, नामेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। फोर्थ है एफेंटीज स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज। ओके, तो टैक्सोनॉमी के मेन चार पॉइंट होते हैं। पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर नामेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन, फिर एफिनिटी मतलब इंटर रिलेशनशिप, दो प्रजातियों के बीच कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है, चलिए ओल्ड सिस्टमैटिक्स। ओल्ड सिस्टमैटिक क्या है? द टर्म सिस्टमैटिक्स वाज प्रपोज्ड बाय लिनियस। ओके, लीनियस सिस्टमैटिक टर्म प्रपोज बाई लीनियस। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा व्हिच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टैक्सोनॉमी प्रपोज किया था वर्ड एपीडी कैंडोल और सिस्टमैटिक प्रपोज किया लीनियस। सिस्टमैटिक क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ डाइवर्जिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल कंपरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, सिस्टमैटिक्स जो है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विविधता, प्राणियों की विविधता और कंपरेटिव कौन किससे भिन्न है और इवोल्यूशनरी उत्पत्ति क्रम में कौन कौन से रिलेशन हैं इनके। ठीक है, इट इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर ऑफ प्लांट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी देखता है कि बाहरी रूप से प्लांट और पौधे कैसे हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे रूट है, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये सब हर पेड़ पौधे का फ्लावर, स्टेम, लीफ सब डिफरेंट होता है, तो वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है। ठीक है, जो हम बाहर से देख सकते हैं। न्यू सिस्टमैटिक्स आर न्यू सिस्टमैटिक्स न्यू सिस्टमैटिक न्यू ब्रांच नेम गिवन बाई जूलियन हक्सले 1940। ठीक है, तो 1940 में जूलियन हक्सले ने नियो सिस्टमैटिक्स कॉन्सेप्ट दिया था, नाम दिया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? इट इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में एक्सटर्नल देखते हैं, इसमें दोनों हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। एलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म।
सेल की संरचना के अतिरिक्त हम प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब बाहरी पर्यावरण पर्यावरण से कैसे प्रभावित हो रहा है, पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रहा है। ओके, थर्ड, इट यूज टू नो इंटर रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे प्रजातियों में या प्राणियों में कैसा रिलेशनशिप है इनका। नोट, न्यू सिस्टमैटिक्स इज मेनली बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी एज वेल एज जीनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, इवोल्यूशनरी मतलब उत्पत्ति क्रम, उत्पत्ति में, और जेनेटिक क्या करेक्टर है, जेनेटिक जेनेटिकली, तो उसको एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी कहते हैं, कंपेयर टू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर मीन्स जो हम बाहरी बाहर से देख सकते हैं किसी प्राणी में, पेड़ पौधे में, ठीक है, उसका जड़ तना पत्ती कैसा है, ये सब, हाथ पैर कैसे हैं प्राणियों में, तो ये मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर हो गए। जो हम इवोल्यूशनरी या जेनेटिक रिलेशनशिप देखते हैं वो हो जाता है एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। ठीक है, नामेनक्लेचर, नामेनक्लेचर पहला पॉइंट है, बाइनोमियल सिस्टम वाज फर्स्ट प्रपोज बाय गैस्पर्ड बाउहिन इन हिज बुक पिनेक्स थिएटर बोटेनिका। ठीक है, सबसे पहले नामेनक्लेचर बाइनोमियल सिस्टम दिया था गैस्पर्ड बाउहिन, ठीक है, अपनी बुक पिनेक्स थिएटर बोटेनिका में, लीनियस से पहले। सेकंड है लीनियस, कैरोलस लीनियस, लीनियस यूज्ड दिस नामेनक्लेचर सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन लार्ज स्केल एंड प्रपोज साइंटिफिक नेम ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, बाइनोमियल नामेनक्लेचर सिस्टम दिया था पहली बार गैस्पर्ड बाउहिन ने, लेकिन कैरोलस लीनियस लार्ज स्केल पर इस्तेमाल किया और साइंटिफिक नेम दिए सभी प्लांट और एनिमल को। कैरोलस लीनियस इज फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नामेनक्लेचर, बाइनोमियल सिस्टम। ठीक है, लीनियस प्रपोज्ड साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट इन हिज बुक स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, साइंटिफिक नाम पौधों को दिया, पेड़ों को दिए अपनी बुक स्पीसीज प्लांटेरम में। इट वाज पब्लिश 1 मई 1753, 1753 में 1 मई को पब्लिश हुई थी, क्या, स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, कैरोलस लीनियस की। सो दिस वाज इनिशिएशन ऑफ बाइनोमियल सिस्टम फॉर प्लांट। 1 मई 1753 से पौधों के लिए या पेड़ के लिए बाइनोमियल सिस्टम शुरू हुआ। लीनियस प्रपोज साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल इन हिज बुक सिस्टमा नेचुरी, 10th edition। ठीक है, प्लांट के बाइनोमियल के लिए स्पीसीज प्लांटेरम और एनिमल के लिए सिस्टमा नेचुरी। ठीक है, दिस 10th edition ऑफ सिस्टमा नेचुरी वाज पब्लिश्ड 1 अगस्त 1758, 1758 को पहले अगस्त में सिस्टमा नेचुरी पब्लिश हुई। सो इनिशिएशन ऑफ बाइनोमियल सिस्टम फॉर एनिमल, ठीक है, बिलीव टू बी स्टार्टेड 1 अगस्त 1758 एनिमल के लिए, 1 अगस्त 1758 बाइनोमियल सिस्टम जाना जाता है, और पेड़ पौधों के लिए 1 मई 1753। ओके, साफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कितने टाइप होते हैं, अल्फा या क्लासिकल टैक्सोनॉमी,
इट इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स ऑफ प्लांट्स। अल्फा टैक्सोनॉमी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर बेस्ड होते हैं, जैसे रूट है, लीफ है, फ्रूट है, ये सब देख के हम बता सकते हैं कौन सा पेड़ है, कौन सा क्या है। ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी, हर एक पेड़ की पत्तियाँ अलग होती हैं, फूल अलग आते हैं, हर सीजन में, किसी सीजन में आम आएगा, किसी सीजन में नींबू, इस प्रकार। ठीक है, तो ये हो गए मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। बाहरी संरचना देख कर, सॉरी बाहरी संरचना देख कर क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर होता है। ठीक है, पेड़ पौधों का या प्राणियों का। बीटा टैक्सोनॉमी बिसाइड्स एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इट आल्सो इंक्लूड इंटरनल करेक्टर्स लाइक एम्ब्रियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, एनाटॉमिकल करेक्टर। अब अल्फा टैक्सोनॉमी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर हो गए, जो हम बाहर से देख के पेड़ पौधों को बताते हैं। ठीक है, रूट, लीव्स, ओके, स्टेम्स। अब बीटा टैक्सोनॉमी ये तो होगा ही, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होगा, लेकिन इंटरनल करेक्टर भी होगा, एम्ब्रियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, मतलब जीवोत्पत्ति और कोशिका संरचना, एनाटॉमिकल करेक्टर, ये सब देख के भी टैक्सोनॉमी या अरेंजमेंट किया जाएगा, वो बीटा टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों करेक्टर्स देखे जाएंगे बीटा टैक्सोनॉमी में। अल्फा में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ओके। ओमेगा टैक्सोनॉमी थर्ड वन, ओमेगा टैक्सोनॉमी हैज वाइडेस्ट स्कोप, इट इज बेस्ड ऑन ऑल द इंफॉर्मेशन डाटा अवेलेबल अबाउट प्लांट्स। तो ओमेगा टैक्सोनॉमी में ये वाइडेस्ट स्कोप है इसका, ये बेस्ड होता है सभी इंफॉर्मेशन, जितना भी इंफॉर्मेशन चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, जो भी डेटा अवेलेबल है उस प्लांट के बारे में, उस एनिमल के बारे में, प्लांट्स मेनली प्लांट्स। ठीक है, तो वो ओमेगा टैक्सोनॉमी में आएगा। अल्फा, बीटा, ओमेगा, ओके, टैक्सोनॉमी वर्ड प्रपोज्ड बाय टुरिल, ओके। ठीक है, आप याद रखिएगा, अल्फा, बीटा, ओमेगा, टैक्सोनॉमी वर्ड प्रपोज्ड बाय टुरिल। अब आता है साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो मीन्स सेलुलर, सेल, ठीक है, सेल से रिलेटेड साइटो। साइटो टैक्सोनॉमी में क्या है, द यूज ऑफ साइटोलॉजिकल करेक्टर इन सॉल्विंग टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम कॉल्ड साइटो टैक्सोनॉमी। जो भी प्रॉब्लम टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम है, साइटोलॉजिकल करेक्टर, सेल स्ट्रक्चर है, राइबोसोम, जो सेल्स में पाए जाते हैं, उनमें अगर कोई दिक्कत आ रही है, उनका टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो उसे साइटो टैक्सोनॉमी कहा जाता है। साइटो टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर में, स्ट्रक्चर में, बिहेवियर में, ये सब साइटो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। कीमो टैक्सोनॉमी क्या होता है, इट इज यूज ऑफ केमिकल करेक्टर इन क्लासिफिकेशन और इन सॉल्विंग टैक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम। ठीक है, केमिकल करेक्टर जो पेड़ पौधों में, जैसे यहाँ पे दे रखा है, एल्कलॉइड है, कैरोटीन है, टाइनिन है, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड्स, ये सारे कीमो टैक्सोनॉमी, ठीक है, केमिकल करेक्टर्स हैं। तो जब केमिकल करेक्टर में प्रॉब्लम आती है टैक्सोनॉमी, तो उसे कीमो टैक्सोनॉमी या केमिकल टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन या केमिकल कंपाउंड के आधार पर जब टैक्सोनॉमी या अरेंजमेंट क्लासिफिकेशन किया जाएगा, तो उसे कीमो टैक्सोनॉमी कहा जाएगा। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। चलिए अब स्पीसीज कॉन्सेप्ट देखते हैं। जॉन रे प्रपोज्ड टर्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। जानरे टर्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज प्रपोज किया था। ही डिस्क्राइब मोर देन 18,000 प्लांट एंड एनिमल इन हिज बुक हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। ठीक है, ओके। तो जान रे टर्म एंड कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था स्पीसीज का। उन्होंने डिस्क्राइब किया 18,000 से ज़्यादा प्लांट और एनिमल अपनी बुक हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम में। ठीक है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट अर्नस्ट मेयर को कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th century। ही प्रपोज्ड द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। ओके, याद रखिए। सेकेंड पॉइंट है, मेयर डिफाइन द स्पीसीज इन फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। मेयर ने डिफाइन किया बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में स्पीसीज को। थर्ड वन, अकॉर्डिंग टू मेयर ऑल द मेंबर दैट कैन इंटरब्रीड एमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग आर द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। ओके, मेयर ने कहा कि वो सभी मेंबर्स या सदस्य जो अपने आप में इंटरब्रीड करके संतान उत्पत्ति करते हैं, संतान उत्पत्ति वो भी कैसी? फर्टाइल, जो अगली पीढ़ी पैदा कर सके। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज ऐसे मेंबर्स जो आपस में इंटरब्रीड करके आप स्प्रिंग बर्ड पैदा करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, जो वो संतान अगली संतान उत्पत्ति करने के काबिल हो, फर्टाइल हो, तो उन सदस्यों को सेम स्पीसीज में रखा जाता है, ऐसा कहा। बट दिस डिफिनीशन ऑफ मेयर वाज इनकम्प्लीट बिकॉज दिस डिफिनीशन अप्लीकेबल टू सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग लिविंग बींग। ये इनकम्प्लीट हो गई या अमान्य हो गई मेयर की जो थ्योरी थी स्पीसीज में, क्योंकि ये केवल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग लिविंग बींग के लिए थी। देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म दैट हैव ओनली ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कुछ ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड बीजी ब्लू ग्रीन एल्गा। ठीक है, चलिए। फोर्थ वन, द मेन कैरेक्टर इन डिटर्मिनेशन ऑफ एनी स्पीसीज इज इंटरब्रीडिंग, बट दिस कैरेक्टर इज नॉट यूज इन टैक्सोनॉमी। मुख्य जो करेक्टर है डिटर्मिनेशन का वो इंटरब्रीडिंग था। ठीक है, लेकिन ये करेक्टर इस्तेमाल नहीं होता टैक्सोनॉमी में। इन टैक्सोनॉमी डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीसीज बेस्ड ऑन अदर करेक्टर, फॉर एग्जांपल मेनली मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर क्या है? जो हम किसी को बाहरी रूप से देख कर पता लगा सकते हैं या बता सकते हैं। ओके, फिफ्थ वन क्या है? इन हायर प्लांट द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीसीज मेनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर। बड़े पौधों में या बड़े पेड़ में हम मेनली मुख्यतः मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर फ्लावर से लेते हैं, फ्लोरल मॉर्फोलॉजी लेते हैं, बिकॉज फ्लोरल रिप्रोडक्टिव है, फ्लावर से रिप्रोडक्शन होता है और मोर कंजर्वेटिव है कंपेयर टू वेजिटेटिव करेक्टर। वेजिटेटिव करेक्टर क्या है? रूट्स, स्टेम, लीव्स। ठीक है, ये वेजिटेटिव करेक्टर है। दे डू नॉट शो मेजर चेंजेस। जो वेजिटेटिव करेक्टर हैं
वो कोई बड़ा बदलाव नहीं करते हैं। और जो फ्लोरल करेक्टर है, रिप्रोडक्टिव करेक्टर है, वो मोर कंजर्वेटिव है और नेक्स्ट अगली जनरेशन के लिए वो इफेक्ट डालते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक चेंजेस भी कर सकते हैं, आगे देखेंगे ये सब। सिक्स, व्हेन द स्पीसी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरवेरिटी देन इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल स्पीसी। जब स्पीसी आपस में इंटरब्रीड करके आप स्प्रिंग बनाती हैं तो उसे बायोलॉजिकल स्पीसीज कहा जाता है। जैसे ऑल ह्यूमन इन दिस वर्ल्ड कैन इंटरब्रीड एमंग देमसेल्फ। इस संसार में जो सभी ह्यूमंस हैं वो आपस में इंटरब्रीड करके संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, इसलिए वो बायोलॉजिकल स्पीसीज हो गए, ठीक है। बायोलॉजिकल वो स्पीसीज वो होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड करके संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमिक स्पीसीज क्या होते हैं? व्हेन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीसीज ऑन द बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स देन इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक स्पीसीज। जब हम किसी स्पीसीज के डिटर्मिनेशन मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर से करते हैं तो उसे टैक्सोनॉमिक स्पीसीज कहा जाता है। जैसे कलीफ्लावर है, कैबेज है, नोल खोल है, मतलब फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ठीक है। तो ये तीनों सेम स्पीसीज नहीं, सेम मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं, ठीक है, यानी कि टैक्सोनॉमिक स्पीसीज हैं सेम। इन तीनों का बॉटनिकल नेम ब्रैसिका ओलेरेसिया है, ठीक। देयरफॉर, ठीक है, नेक्स्ट, ओके। ये मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर सेम है, इनका बाहर से ये सेम तरह दिखते हैं, लेकिन देयरफॉर दे बिलोंग टू वन टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज। ये टैक्सोनॉमिक स्पीसीज है, बायोलॉजिकल स्पीसीज नहीं है, ठीक है। बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या होते हैं? अभी पीछे देखा हमने पॉइंट नंबर सिक्स पर कि वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, लेकिन कैबेज है, कलीफ्लावर है, नोल खोल है, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, लेकिन इनके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर जो बाहरी संरचना है वो सब सेम है, इसलिए ये टैक्सोनॉमिक स्पीसीज है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, ठीक है। बट दे नॉट इंटरब्रीड एमंग देमसेल्फ, देयर फॉर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरब्रीडिंग दीज थ्री बायोलॉजिकल स्पीसीज, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है? टैक्सोनॉमिक स्पीसीज है, ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीसीज नहीं है। ठीक है, सिबलिंग स्पीसीज आर क्रिप्टिक स्पीसीज क्या होते हैं? मेंबर ऑफ स्पीसीज व्हिच आर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नोन एज सिबलिंग स्पीसीज। जो मॉर्फोलॉजिकली करेक्टर सिमिलर होते हैं लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते, इंटरब्रीड नहीं कर सकते, लेकिन बाहर से सेम तरह के दिखते हैं, तो उन्हें सिबलिंग स्पीसीज कहा जाता है। सिबलिंग स्पीसीज इज वन ऑफ टैक्सोनॉमिक स्पीसीज, ठीक है। पीछे देखा, दे दीज मेंबर हैव सिमिलर मॉर्फोलॉजी बट दे नॉट दे आर डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीसीज बिकॉज दे डू नॉट इंटरब्रीड। ब्रेसिका ओलेरेसिया में अभी देखा हमने कि मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर तो सेम है, ठीक है, कलीफ्लावर का, कैबेज का, नोल खोल का, ठीक है,
लेकिन वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते, इसलिए वो बायोलॉजिकल स्पीसीज नहीं हुए, टैक्सोनॉमिक स्पीसीज हुए। ठीक है, तो सिबलिंग स्पीसीज क्या हो गई? वो मेंबर जो मार्फोलॉजिकली सेम है, मार्फोलॉजिकल करेक्टर सेम है, बट वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। ठीक है, वो सिबलिंग स्पीसीज हो गई या क्रिप्टिक स्पीसीज हो गई। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ, चैनल को अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।